हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द हाई स्पीड नंबर वन एजुकेशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड, तो फाइनली आपके लिए बिहार में जो सोशल वेलफेयर संबंधी पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म आ चुका है। ये भी फॉर्म जो है आपको 2 सितंबर 2019 को लॉन्च किया गया है, फॉर्म 7 बजे का। और फ्रेंड्स, इसमें जो है बिहार सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट सक्षम, जिसको SSUPSW कहा जाता है, ये फुल फॉर्म है इसकी, है रिसेंटली इन्वाइटेड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये फॉर्म वहाँ से जो है भेजा गया है बिहार सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, जिसको सक्षम बोलते हैं हम, SSUPSW द्वारा ये रिक्वायरमेंट भेजी गई है, जिसमें आपको सबसे पहले मैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बता दूंगा। तो सभी कैंडिडेट्स के लिए, ऑल कैंडिडेट्स के लिए ये जो है, इसमें आपको कोई भी पेमेंट नहीं करानी है, 0 रुपये आपकी पेमेंट रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये ऑल कैंडिडेट के लिए है, इसमें जनरल OBC SC सभी आ जाते हैं, SST। इसके बाद आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है वो है 28 अगस्त को, ये फॉर्म आया है आपकी सरकारी जल्द की साइट पर अपलोड किया गया है, स्टार्ट किया गया है, और ये 19 सितंबर तक जो है ये फॉर्म रहेगा। इसमें एग्जैक्ट डेट अभी अवेलेबल सून है और एडमिट कार्ड भी अभी अवेलेबल सून है, नोटिफिकेशन जल्द ही अपलोड कर दी जाएगी। चलिए, पेमेंट के मेथड को समझ लीजिए। पेमेंट किसी भी कैटेगरी द्वारा आप किसी भी ऑनलाइन फॉर्म नेट बैंकिंग से नहीं करवाने की जरूरत है, क्योंकि इसमें एप्लीकेशन फ़ीस पहले से ही आपको 0 रुपये दे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात कर लेते हैं हम लोग एज लिमिट की। तो मिनिमम आपकी 21 ईयर्स एज होनी चाहिए, मैक्सिमम 55 ईयर्स एज होनी चाहिए। टोटल वैकेंसी की बात कर ले तो उसमें 917 सीट्स हैं, जिसमें आपको यहाँ पे दे रखा है, मैं दिखा देना चाहता हूँ आपको। तो यहाँ पे आपको सेंट्रल मैनेजर की पोस्ट में आपको जो है 63 सीट दे रखी हैं, जिसमें PG डिग्री होनी चाहिए आपको, सोशल वर्क के लिए रिहैबिलिटेशन होना चाहिए। इसके बाद आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन में 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका, और ग्रेजुएशन डिग्री विद 4 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। चलिए, एडमिन कम CEO अकाउंट असिस्टेंट में 63 पोस्ट हैं, जिसमें BCom डिग्री होनी चाहिए, 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए साथ साथ। केस मैनेजर में 70 सीट्स दे रखी हैं, PG डिग्री इन फिजिको साइको सोशल वर्क विद 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ग्रेजुएशन में 4 ईयर का। ठीक है, चले बात कर लेते हम लोग SR फिजियोथेरेपिस्ट में 66 है, PG डिप्लोमा भी चाहिए इसमें, PG डिग्री फिजियोथेरेपिस्ट में, और भी 6 मंथ का इंटर्नशिप, 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ग्रेजुएशन में 4 ईयर एक्सपीरियंस। इसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट में बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजियोथेरेपिस्ट में, और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मोबिलिटी एक्सट्रक्शन में 74, डिप्लोमा इन रिलेशन ट्रेड्स 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर बैचलर डिग्री मोबिलिटी साइंस होनी चाहिए, 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। चलिए बात करते हैं ऑडियोलॉजिस्ट कम स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट में आपकी टोटल कितनी सीट्स हैं। तो इसमें टोटल 85 सीट्स हैं, जिसमें ग्रेजुएशन डिग्री ऑडियोलॉजी स्पीच से होनी चाहिए लैंग्वेज से, और 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। काउंसलर क्लिनिकल फिजियोलॉजिस्ट 79 सीट्स है, पीजी डिग्री इन फाइकोलॉजी डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके साथ। टेक्नीशियन ऑप्थेल्मोलॉजी में 75 दे रखा है, इसमें ग्रेजुएशन डिग्री इन ऑप्थेल्मिक टेक्निक, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। चले बात कर लेते हैं टेक्नीशियन स्पीच हेयरिंग, इसमें कुल टोटल आपकी 87 सीट्स है, डिप्लोमा रिलेटेड किसी भी स्ट्रीम से होना चाहिए। टेक्नीशियन प्रोस्थेटिक ऑर्थो टिक में 72 सर्टिफिकेट कोर्स इन रिलेटेड सब्जेक्ट। पैरामेडिक में 17 सीट है, डिप्लोमा होना चाहिए इसमें। केयर ग्रीवर में 69 है, डिप्लोमा में रिलेटेड स्ट्रीम। कुक कम हेल्पर में 5 सीट्स हैं, आस पास होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस। ड्राइवर में 19-10 एग्जाम, HMV ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी एलिजिबिलिटी में दे रखा है फ्रेंड्स। तो आशा है कि जो भी फ्रेंड्स भरना चाहते हैं बिहार सोशल वेलफेयर एसोसिएशन में सक्षम में SSUPSW द्वारा ये रिक्वायरमेंट भेजी गई, जिसकी लास्ट डेट है 29 सितंबर 2019 तक। तो फ्रेंड्स, जल्दी से जल्दी आप इसे भर दीजिए और इंजॉय दीजिए। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।